very proud of you. आफ्ताब, मैं ये तो समझ गया कि वो कह रही थी कि आफ्ताब बड़ा अच्छा लड़का है, जाहिर है आपके घर की बुजुर्ग हैं, बजाय इसके कि मैं उनके बारे में उनका परिचय दूं, आप ही क्यों निकलते? ये एक्चुअली मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है जी, मेरे फादर की माँ, और उनकी उम्र है करीब 107 कंप्लीट, तो शी इज थ्री सेंचुरीज, शी बोर्न इन 1896. ओह एक्चुअली शी इज माय ऑल टाइम एवरग्रीन गर्लफ्रेंड. जस्ट रिसेंटली शी लॉस्ट हर हियरिंग एड लिटिल बिट एंड हर आईसाइट, बट other than that she's absolutely fit and we all love her more than anything else, and she hasn't lost her opinion about you. Nahi bilkul nahi. Aapka bada chutta ho. Main ek aur aise sahab ko bulana chahta hu jo thoda sa aur khul ke baat karenge. Main chahta hu ki aap log tashreef rakhein aur main Aftab ko unke sath gheru. Aftab zara idhar aaye please. Ab aap taiyar ho jaye. Family portrait thoda kam ho raha hai. Please tashreef laiye. एक आफ्ताब के बहुत करीबी दोस्त हैं. आफ्ताब बचपन में जो थे जी, वो मतलब उनकी अफसाना के सामने तो ज्यादा चलती नहीं थी. नहीं बिल्कुल नहीं, वो किसी की नहीं चलती आज भी नहीं. हाँ किसी की जी, क्योंकि वो तो फिर हाँ वो तो दो टूक फैसला कर लेती हैं, या एक ग्लास या एक बोतल. आप पे क्या निछावर किया गया था? नहीं ऐसे तो हुआ क्या था, आफ्ताब वीडियो गेम लाए थे वो दिन और नई नई निकली थी जी, और आफ्ताब और हम सब खेल रहे थे साथ में, और अफसाना को ये सब अच्छा वीडियो गेम ज़रा भी पसंद नहीं था, पर एक बार उन्होंने भी खेला और वो उनको भी अच्छा लग गया और वो हार गए, और हर और फिर हम लोग खाली नीचे गए और आफ्ताब वहाँ पे था घर में. हम लोग वापस आए तो मैंने लाइक बेल बजाई और आंटी ने दरवाज़ा खोला, और अंदर जाते ही एक बॉटल मेरे यहाँ से गई और एक चाकू यहाँ से गया. और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, और अफसाना और आफ्ताब एक दूसरे पे चाकू डाल रहे हैं, फॉक डाल रहे हैं, और अंकल हम लोग सब ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं. इतना प्यार है. हाँ सर जी, प्यार तो है, तरीका जरा अनोखा है. एकदम एक 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 और साहब हैं जो इसी किस्म के कुछ बहुत ज़बरदस्त आपके पुराने दोस्त हैं और कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ से बात करें. वैसे मैसेज बहुत दूर से दे रहे हैं वो. Hey Fati, I've been asked to record some memorable moments that we have spent together. So here I am in your favorite city in the world, New York, talking about some of the memorable moments you, myself and the boys have shared. Out of all the moments, I think the endless number of hours we have spent at Bachelor's would be on the top of the list. We had no money. We used to depend on the free ice creams Sharmaji used to provide us with. And discuss the endless number of crushes you and Dhawal have had. Oh, I'm still keeping a score, by the way, between the number of crushes you and Dhawal have had so far. Dhawal is, of course, leading. But I also know you've got a few big releases coming up. Wish you all the best. You deserve all the success in the world.